ए सॉरी ए ये क्या कर रहा है तू या नारायण को डरे हूं ए सॉरी चाहे जो भी बात हो बैठ कर सेटल कर सकते हैं हम सेटल में करेगा इस दिल्ली सूरी को क्या समझ रखा है तूने सबके साथ फुटबॉल मैं खेलता हूँ तूने मेरा डेटा शंकर को दिया तो वो मेरे साथ फुटबॉल खेलने लगा तुम्हारी वजह से कितनी जाने गई पता है उस बेचारे कुछ न जानने वाले मिनिस्टर पर शक करवाकर डामों के हाथ तुमने उसे मरवा दिया और उसके बाद वो एसपी लीली के पीछे पड़ा है ऐसा बताकर खाने में जहर डालकर उसको मरवा दिया आखिर में भाई के लिए जान देने वाले दुर्गा को उसके भाई के हाथों मरवा दिया ये सच अगर डामों को पता चला तो मैं बेमौत मरा जाऊंगा बॉस अगर तेरी वजह से मेरा मर्डर हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ए चल रे मेरा सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर गया पर अपना सारा डेटा मुझे दे गया आई विल सी योर एंड ए सूरी सूरी कहां गायब हो गया है पता नहीं सर हेलो सीआई साहब वो दिल्ली सूरी ने मेरे ऑफिस आकर हमला करके बहुत मिसबिहेव किया इसीलिए मैंने सारी सच्चाई दामू को बता दी है लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं बताया उनको कहा सब कुछ सूरी नहीं करवाया दामू ने मुझे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बुलाया उससे अपने नए प्रोजेक्ट का बहाना बनाऊंगा और अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाऊंगा वरना नेक्स्ट मर्डर मेरा होगा ये सुनिश्चित है ए तू एयरपोर्ट जाकर तैयारी कर मैं पहुंचता हूं अरे तू मरेगा तेरा सच्चा नाश होगा तेरा फोन मैं कभी नहीं उठाने वाला इसने मेरा फोन क्यों काटा अगर ये दामू के हाथ लगे तो इसे कच्चा चबा जाएगा आओ सूरी साहब बैठो क्या बात है इतनी दूर बुलाया कुछ नहीं मुझे सुबह एक सपना आया था वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ अच्छा सुबह आने वाले सपने सच होते हैं क्या था बताओ एक जंगल था और उसका किंग था एक शेर उसकी पीकॉक जैसी एक प्रेमिका और उसका एक भाई चीता और उसके बेस्ट फ्रेंड्स एक चूहा और एक हाथी इन पावरफुल जानवरों ने मिलकर एक बार हंटिंग स्टार्ट किया था पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फाइनेंस करने के लिए दिल्ली से एक गीदड़ आ गया मुफ्त का खाने वाला वो ब्रोकर गीदड़ पूरे प्रोजेक्ट को अकेला ही निकल जाना चाहता था इनोसेंट एलिफेंट पर पहले उसने एलिगेशंस लगवाए बिना दिमाग के शेर ने गीदड़ पर पूरी तरह से भरोसा करके उस हाथी को मार डाला लेकिन वो गीदड़ वहां तक नहीं रुका बेचारे चूहे की नजर पीकॉक पर है कहानी बनाकर उस पर भरोसा करवा दिया शेर अपना होश खो बैठा और इसका गीदड़ ने फायदा उठाकर चूहे को जहर देकर मार डाला फिर भी वो साला सेटिस्फाई नहीं हुआ आखिर में चीते पर भी इल्जाम लगा दिया बेवकूफ शेर को पीछे क्या हो रहा है पता भी नहीं चला और उसने अपने भाई चीता मार डाला इस उम्र में यहाँ से भाग तो नहीं पाऊंगा जान की भीख मांगना ही ठीक रहेगा अब क्वेश्चन आंसर रहो इस सपने में शेर कौन था तुम गुड और हाथी मिनिस्टर नागराज वेरी गुड तो फिर चूहा एसपी अर्जुन एक्सीलेंट पीकॉक सुशीला चीता दुर्गा अमेजिंग लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन गीदड़ कौन था गीदड़ के बारे में जानकर क्या करोगे उसके पीछे डायनासोर भी है कोई डायनासोर नहीं है वो तो स्पीलबर्ग की क्रिएशन है और ये उस गीदड़ की मैनिपुलेशन आप इससे बात क्यों कर रहे भाई मार डालते हैं इसे नहीं ऐसे नहीं इसकी मौत इतिहास बन जानी चाहिए इसको दी हर एक चोट के पीछे कॉन्सेप्ट होगा पहली चोट पर ही चेहरा बदल जाना चाहिए दूसरी चोट पर गर्दन टूटे पर ये मरे ना तीसरी चोट तो ऐसी जगह पर दूंगा कि लोग कभी नहीं भूलेंगे अब मैं जिंदा क्यों हूँ सोच कर तड़पना चाहिए इसको मुझे मार डालो कह के भीख मांगे यह हमसे और तब अपना पंच बनाकर ऐसी चोट मारनी है कि इसके पंच तत्व शरीर से निकलकर हवा में जाए तब हम उसे देखकर खुश हो जाएं मौत को तरसेगा तू हर पल यूं तड़पेगा तू फिर भी नहीं मर पाएगा तू भैया अंग्रेजी फिल्मों की तरह से मारते हैं क्यों भाई हमारे राम गोपाल वर्मा की फिल्में इंग्लिश फिल्मों से कम है क्या इसके हाथों को जूस मशीन में डाल देते हैं या तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं या फिर सीने पर ड्रिलिंग मशीन चला देते हैं hey, इंग्लिश फिल्म के डीवीडी लाओ रेफरेंस के लिए देखते हैं उन्हें समझते हैं फाइनली इसके मर्डर वीडियो को 5D से शूट करके यूट्यूब पे डालते हैं hey, गीदड़ भयानक है ना जब तक वो डीवीडीज लाता है तब तक कुछ टाइम पास करते हैं क्या करना है सर तूने मुझे खूब नचाया तू नाचेगा और मैं देखूंगा और अगर तू रुका तो तुझे उसी वक्त ठोक दूंगा म्यूजिक पे तेरे कदम थिरकने चाहिए और अगर बंद हो गए तो तुझे रिजल्ट पता है ओके ओके ओ मेरी जाना लगा निशाना शिकार कर ले दिल का मैं
रोक मुझसे जितना ये दिल धड़के उतना मैं कहता तू मैं करता खुद की भी नहीं फिर मैं सुनता ओए, ओए, उठ बे, उठ जा, हे, ऐसे कैसे मार सकता है तू? हे, उठ जा, तुझे कैसे कैसे मारने का सोचा था मैंने? हे, तू ऐसे नहीं मार सकता, हमें इतना टॉर्चर करके तो खुद इतने आसानी से कैसे मार सकता है? उठ बे, उठ! ओए, जोकर है वो, तूने क्या सोचा इस गधे में इतनी अकल है कि ये प्लान बना सके? तेरे पार्टनर्स को तेरे हाथों मरवा कर वही एविडेंस बनाकर तेरे नाम का शूट एट साइट ऑर्डर लेकर आया हूं मैं। ऑर्डर ना भी मिलता तो भी मैं तुझे मार देता, लेकिन लीगली मारने का मजा ही अलग है। तेरा किस्सा खल्लास। सब लोग सुनो, इसको मेरी आंखों के सामने मार के यहीं जला दो।